फ्रेंड, मैं हूँ कामरान खान और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि आप अपने व्लॉगिंग चैनल के लिए इंट्रो कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस तरह का इंट्रो बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका वीडियो वायरल होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में पकान मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, देन इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 को सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले आएंगे। अब हम यहाँ से एक टेम्पलेट यूज करने वाले हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो टेम्पलेट ऐड करने के बाद आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके कुछ इस पॉइंट पर लाना है, देन यहाँ लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ मीडिया पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप मीडिया पर क्लिक करेंगे आप अपने डिवाइस के गैलरी में चले आएंगे। अब आपको यहाँ अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। चैनल का लोगो ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा करके यह बीचों बीच प्लेस कर लेना है और इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके जितना बड़ा हमारा टेम्पलेट है इसके बराबर कर देना है। इसके बाद अब आपको इसके अंदर एनिमेशन ऐड करना है। तो इसके लिए आपको राइट साइड में इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेड़ को सेलेक्ट करना है और इसकी टाइमिंग को 1.5 कर देना है, देन यहाँ बैक को लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओवरले पर क्लिक कर लेना है, देन यहाँ बैक को लेना है। इसके बाद आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके कुछ इस पॉइंट पर लाना है, देन यहाँ लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप करना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर लेता हूँ। चैनल का नेम टाइप करने के बाद आपको इसे बड़ा करके यहाँ नीचे ले आना है। और उसके बाद आपको इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है। तो इसके लिए आपको राइट साइड में डबल ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस फॉन्ट को भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से नोटो सेरफ बोल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको इस कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेड सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है। जैसे आप शेडो को इनेबल करेंगे तो नेम के बैकग्राउंड से शेडो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक को लेना है। हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है लेकिन सिर्फ एक आखिरी सेटिंग बाकी है। तो इसके लिए आपको राइट साइड में सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके वीडियो फिट आउट की इनेबल करना है और इसकी टाइमिंग को 1 कर देना है, देन यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है। हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है। चलिए मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इंट्रो बनवाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए आपको अपराइट कॉर्नर में सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है। HD क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको 1080p को सेलेक्ट करना है, बिट रेट को हाई रखना है, देन यहाँ सेव है वीडियो पर क्लिक करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।